हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूँ। अरे मोदी है, मोदी है। कहे का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। अरे विश्व हिंदू परिषद वालों, अरे बजरंग दल वालों, अरे नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुसलमान भाइयों को बड़काना वरगलाना बंद करें और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अंडबंड बोलना भी बंद करें। मोदी जी ने कब कहा कि देश उनके बाप का है? मोदी जी जब भी बात करते हैं देश के 130 करोड़ देशवासियों के बारे में बात करते हैं। ये मासूम नहीं है, ये लोग मासूम नहीं है, ये वही लोग हैं जो अल्लाह के घर को शहीद करे, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जतों को लुटाए, ये वही लोग हैं जो हमारे बस्तियों को जलाए, ये वही लोग हैं जिसने इशरत जहां का इनकाउंटर किया, ये वही लोग हैं जो सोहराबुद्दीन को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो एहसान जाफरी को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो हमारे शहर के वकील को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो हमारे बच्चों को जेलों में रखते हैं। और अकबरुद्दीन भाई, ऐसी भड़काने की राजनीति जो आप कर रहे हो ना, ये चलने वाली नहीं। आज देश का हिंदू मुसलमान सब बहुत होशियार हो चुका है। मोदी जी के सामने आपकी कोई शख्सियत नहीं है। मुसलमान भाइयों के तरक्की की बात करो, उनको बोलो कि अगर उनको ऐसा लगता है, ऐसा तो मुसलमान भाई कभी सोचते ही नहीं, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि फौज अन्याय कर रही है कश्मीर में या देश के अंदर कहीं पर भी, तो अगर 100 में 25 मुसलमान है इस देश के अंदर, तो फौज के अंदर भी 100 में 25 मुसलमान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी 100 में 25 मुसलमान हो, कौन रोकता है? स्वागत है। और मुसलमानों के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है? यहाँ पे देश का राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति से लेके मुसलमान रहे हैं और आगे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस मुसलमान हैं, क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान मुसलमान रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार्स मुसलमान हैं। अरे ये भाई, माइनॉरिटी कार्ड्स खेलने की गंदी आदत से बाहर निकलो, लोगों को भड़काना बंद करो, अच्छी बात सिखाओ, अच्छी तालीम दो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। आप बोलते हैं कि देश के अंदर से खाली पुलिस को हटा लो, 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान देखो फिर क्या करते हैं। अगर आपकी सिक्योरिटी से ये पुलिस हटा ली जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ। और भाई एक बात बोलता हूँ कि आप चराग होंगे अपने घर के, आप चराग हो सकते हैं अपने मोहल्ले के, लेकिन आफताब को आंख दिखाना बंद करो।